क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश ने विश्व क्रिकेट में एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है और विश्व चैंपियन इंग्लैंड को T20 सीरीज में रौंद कर रख दिया है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इंग्लैंड जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर, और इस दौरे में दो T20 मैच अभी खेले गए वनडे सीरीज के बाद, और इन दोनों मैच में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को पटकनी दे दी है। जबरदस्त मैच और जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश ने होम कंडीशंस का फायदा उठाकर फिलहाल इंग्लैंड को इतिहास में पहली बार हरा दिया है। ये पोस्ट बांग्लादेश के लिए, एशियन क्रिकेट को पसंद करने वालों के लिए अप्रिसिएशन के तौर पर है, क्योंकि चाहे शैंटो हो या फिर मेहंदी हसन, इन दोनों ने क्या लाजवाब इनिंग खेली। मेहंदी हसन की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड बल्लेबाज जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और यही वजह रही कि मेहंदी हसन को मैन ऑफ द मैच खिताब दिया गया। शैंटो जो लगातार रन बना रहे हैं और बांग्लादेश के लिए एक बड़े स्टार के तौर पर उभरे हैं, उनकी बदौलत ये मैच जो है ये जीता गया। लेकिन इंग्लैंड वाकई में अपने आप को अफसोस कर रही होगी, और इंग्लैंड के साथ ये है कि वो बीच के जो मैचेस होते हैं वो हारते हैं, वर्ल्ड कप में जाकर वो हीरो बन जाते हैं, या फिर ये कहें कि होम कंडीशंस में वो भी हीरो हैं और बाहर आकर जीरो हो जाते हैं, जो भी है। लेकिन इंग्लैंड की धाकड़ टीम जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाज, बड़े बड़े गेंदबाज, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, आदिल रशीद, इनके सामने बांग्लादेश मैच जीत जाए तो अप्रिसिएशन तो इंग्लैंड की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बड़े बड़े नाम यहां पर थे, सैम करन के पास थे, डेविड मलान के पास थे, जॉस बटलर जैसा खिलाड़ी इनके पास था, मोइन अली जैसा खिलाड़ी इनके पास था, डकेट इनके पास था, लेकिन डकेट को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी यहां परफॉर्म नहीं कर पाया और 117 रन बनाकर ये पूरी टीम जो है ये ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी की बात की जाए तो मेहंदी हसन मिराज क्या कमाल के गेंदबाज हैं, और 4 विकेट इन्होंने निकाले, बहुत कम रन दिए, सिर्फ 12 रन दिए। उधर तस्कीन की बात कर लीजिए, मुस्तफिजुर की बात कर लीजिए, या फिर बात कर लीजिए शाकिबुल हसन की, इन सब ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इसकी वजह से इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो थे वो रन नहीं बना पाए। अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो सॉल्ट जो है वो 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा मलान की बात की जाए तो 5 रन बनाकर आउट हुए। मोइन अली 15 रन पे, बटलर जो है वो 4 रन पे, डकेट जो थे 28 रन हाइएस्ट बनाए, सैम करन ने 12 बनाए, क्रिस वोक्स ने 0, जॉर्डन 3, रेहान 11, आदिल रशीद 1 और जोफ्रा आर्चर 0। और इतनी बड़ी टीम और बड़े बड़े नाम हमने गिनाए, चाहे आप सॉल्ट की बात कीजिए, मलान की बात कीजिए, सभी बॉक्स तक मारते हैं, और इसके बावजूद बांग्लादेश ने होम कंडीशंस का जो फायदा उठाया वो लाजवाब था। और यही वजह है कि बाद में पोस्ट मैच जॉस बटलर ने कहा कि यार पिच थोड़ी अलग थी, लेकिन इंग्लैंड बांग्लादेश के गेंदबाजों ने गेंदबाजी कमाल की। और शाकिब भी कह रहे थे कि यार हमारे गेंदबाजों ने शुरू से इतना जकड़ बना ली कि उनकी शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, फिर मैच में वो लौट नहीं पाए। इसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने आई और बांग्लादेश की शुरुआत जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। लिटन दास जो है वो आती चले गए, एक और विकेट गिर गया। जोफ्रा आर्चर, सैम करन ने शुरू से अपना कहर जो था बरपा कर रखा। जोफ्रा आर्चर ने अपनी क्लास जो है वो दिखाई और एक बार फिर बताया कि मुंबई इंडियंस के लिए एक बार वो एसेट बनने वाले, 3 विकेट उन्होंने निकाले। लेकिन शैंटो खूंटा गाड़ के खड़े, और शेंटो ने कहा कि भाई हम ना हिलवो, हम यहीं खड़ा रहो। जबरदस्त बल्लेबाजी शेंटो ने की, उनका साथ निभाया मेहंदी हसन मिराज ने, और मेहंदी जिन्होंने 4 विकेट निकाले थे, एक अच्छी क्रूशियल पार्टनरशिप की। जबरदस्त बल्लेबाजी, मेहंदी हसन ने 20 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हुए, लेकिन जब तक वो आउट हुए तब तक वो अपना काम कर चुके थे, और इसकी वजह रही कि शेंटो आखिर तक रहे और शेंटो ने फिर जाकर मैच जो है वो जिता दिया। हम आपको बता दें कि लिटन दास ने 9, रूनी ने 9, शेंटो जो है 46 रन पे नाबाद रहे। इसके अलावा हिरोदॉय जो है वो 17 पे रहे, मेहंदी 20 रन बनाकर आउट हुए, शाकिब 0 पर आउट हुए, आतिफ जो है 2 पर, तस्कीन 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और इस तरह से 120 रन जो है वो 6 विकेट गवाकर निकाल लिया गया। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर को 3, सैम करन को 1 विकेट, इसके अलावा मोइन अली को 1 विकेट मिला और रेहान अहमद को भी 1 विकेट मिला। लेकिन कुल मिलाकर मैच बड़ा जबरदस्त रहा। इस मैच के हीरो शेंटो और इस मैच के हीरो कौन रहा? मेहंदी हसन मिराज। ये वही नाम है जिसने टीम इंडिया को भी बहुत परेशान किया था। आप याद कीजिए, याद होगा पिछले साल दिसंबर महीने में जब भारत गई थी बांग्लादेश के दौरे पर, तब यही मेहंदी हसन थे जिनके चक्कर में टीम इंडिया को 2-1 से सीरीज हारनी पड़ी थी। पहले मैच में 1 विकेट लिए, 38 रन बनाए, दूसरे मैच में बल्लेबाजी से शतक ठोक दिया और विकेट भी निकाल लिए थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये रहे थे। अब भारत के खिलाफ जो इन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई थी उसी फॉर्म को इंग्लैंड में कैरी ऑन किया है और जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे खुशी इस बात की है कि जो एशियन क्रिकेट है वो ग्रो कर रहा है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाते हैं तो वो होम कंडीशंस का फायदा उठाते हैं, जबरदस्त तरीके से मैच पर पकड़ बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारी टीमें स्ट्रगल पहले किया करती थी। वैसे ही एशियन कंडीशंस में खासतौर पर भारत और बांग्लादेश में टीमें जो है वो डोमिनेट करें। इंडिया में भी देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट में भारत का दबदबा जबरदस्त तरीके का है, बिल्कुल पकड़ ढीली नहीं है। इंग्लैंड को बांग्लादेश ने भी रॉन्ग कर रखा है, हालांकि बांग्लादेश ने बीते कुछ सालों में जो भी टीम
टीम जा रही है होम कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और जिसके बारे में उतनी चर्चाएं नहीं होती, लेकिन अब चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 2-0 से हरा कर वो आगे चल रहे हैं। तो हमारी तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस और अच्छा करिए, और बाकी बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।